ये पुलडोडा टू बिवली अंडर CRF रोड थी, जो आज रिसेंटली लास्ट मंथ जो है लैंग्विशिंग में हमारा सेंक्शन रीसेंक्शन हो गया है स्कीम। अब आज हमने BT वर्क यहाँ स्टार्ट किया गणपत चौक से नीचे पुलडोडा की साइड, जो हम फेज मैनर में करेंगे इसको कंप्लीट। पहला फेज जो हमारा है वो 2700 मीटर्स का है, जो हम पुलडोडा से गणपत चौक तक आएंगे। इसमें फर्स्ट हम BM कर रहे हैं, आज हमने BM स्टार्ट किया, जिसकी थिकनेस हमारी 50 mm होती है। जो ही हमारा BM कुछ स्ट्रेच में कंप्लीट होगा, हम उसको PC उसके ऊपर से PC डालेंगे, जिसकी हमारी थिकनेस होती है 25 mm, उसके ऊपर सील कोट होता है। आज हमने यहाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा सुबह यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, इसका हमने गणपत जंक्शन से शुरू किया इसको, उसको हम पुलडोडा तक ले जाएंगे, जिसकी लेंथ है हमारी 2700 मीटर्स। फिर नेक्स्ट फेज जो हमारा जो ही ये ख़त्म हो जाएगा, हम इधर से गणपत जंक्शन से ऊपर हमारे अप टू डाक बंगला तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसकी लेंथ अबाउट 2 किलोमीटर है। तो उसके बाद जो ही हमारा ये गणपत से उधर ऊपर तक भी ख़त्म हो जाएगा हमारा काम, डाक बंगले तक हमारा जो ये फर्स्ट फेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे इसको ये हमारा शाह मोहल्ले से स्टार्ट करेंगे और ऊपर बिवली तक इसको अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ करना है वैसे ही ले जाएंगे इसको ऊपर। तो इसमें जैसे कि आप, ये एक प्रोजेक्ट हमारा जो स्टार्ट हुआ, बीच में कोविड की वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस में थोड़ा सा डिले हुआ लास्ट ईयर, जो कि वो काफ़ी परेशानियां हमको झेलनी पड़ी। एक्चुअली में इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है हुआ हमारा अक्टूबर 2019 में इसके अलाटमेंट हुई थी, और इसका कम्प्लीशन पीरियड अबाउट 3 ईयर्स है, अक्टूबर 2022 में इसका कम्प्लीशन पीरियड है। तो कोविड के वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोग्रेस में थोड़ा सा डिले हुआ था, बट अकॉर्डिंगली हमने काफ़ी चीज़ों को फेस करते हुए अब ऑलमोस्ट हमारा यहाँ जो प्रोटेक्शन वर्क और जो CD वर्क था हमारा और वॉलिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट है इस स्ट्रेच में, पुल डोडा से अप टू डाक बंगले डोडा तक। तो अब अकॉर्डिंगली जैसे आपको पता है कि आज ही सुबह हमने ये BT का काम स्टार्ट किया है, और लगभग 15 से 20 दिन में इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे होपफुली।